नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में उठ रहे उन बगावती सुरों की जिनको थामने के लिए कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी उसके बाद बगावत के सुर और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और सबसे बड़ी जानकारी ये कि खुद हरीश रावत की जो सीट है रामनगर, उस सीट पर कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत बगावती सुर में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। यानी कि ये साफ है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस में बगावत ना हो तो वो जीत सकती है, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस के बगावती सुर अभी भी चुप होने का, बंद होने का और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि शायद 2022 में फिर कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत की ही सीट पर बड़ा विरोध है, बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ख़ासतौर से रंजीत रावत का कहना है कि वो पिछले 5 सालों से सीट पर काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो पार्टी है उनको टिकट देगी, लेकिन इस सीट पर हरीश रावत जबरन पहुँचे हैं और वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि ये साफ है कि नाराज़गी हरीश रावत की सीट पर ही नहीं, इसके साथ ही कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम एक जिक्र करें तो हम देख रहे हैं गंगोली हाट जो सीट है उस पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो दावेदार थे वहाँ से नारायण राम आर्य वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि बगावत कुमाऊं के उस दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में भी आज वैसी है जैसे राजधानी देहरादून की सीटों पर। यानी कि बगावत लगातार कम होने का कांग्रेस में नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर सितारगंज सीट की बात करें तो वहाँ पूर्व विधायक नारायण पाल भी पार्टी के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी हालांकि वो चुप्पी साधे हुए ज़रूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराज़ बहुत हैं, ये ज़रूर वो कहते हुए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। इसके साथ ही किच्छा वो विधानसभा सीट जो 2017 में हॉट सीट के रूप से देखी जा रही थी क्योंकि इस सीट से हरीश रावत चुनाव लड़े थे और हार का उनको वहाँ से सामना भी करना पड़ा था, उस सीट पर इस बार तिलक राज भेड़ यानी कि जो पूर्व मंत्री थे उनको उतारा गया, लेकिन उनको भी बड़ा खामियाजा उस सीट पर भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उस सीट से भी कांग्रेस के कई कद्दावर नेता उनके खिलाफ हो गए हैं और वो निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो बाजपुर, जी हाँ, बाजपुर वो सीट जहाँ से यशपाल आर्य को टिकट दिया गया लेकिन उस सीट से जो प्रबल दावेदार थी सुनीता टमटा बाजवा वो भी नाराज़ हो गई और उनका कहना है कि वो भी कांग्रेस के खिलाफ जाएंगी, यानी कि अपनी पार्टी के ही खिलाफ जाएंगे। अगर मैं इस तादाद की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर नाराज़गी और विरोध बहुत ज़्यादा कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कांग्रेस इस बार इस तरीके की स्थितियों में नहीं आएगी और इस बार उनको बड़ा खामियाजा शायद अपनों से ना हो, लेकिन लगता है कांग्रेस में फूट अभी से दिखने लगी है। और ये भी लगता है कि शायद 2022 के विधानसभा चुनाव के मतदान आते आते फूट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बड़ा धड़ा, जी हाँ, एक बड़ा धड़ा अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गया है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो सोच समझ कर नहीं दिए हैं। हालांकि बगावती सुर भाजपा में भी बहुत देखने को मिलते हैं लेकिन इस तरीके की बगावती सुर अभी तक भाजपा में नहीं दिखे, लेकिन कांग्रेस में जो बगावती सुर हैं वो चरम सीमा पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता हरीश रावत के ही सीट पर संशय बन गया तो उम्मीद कीजिए और सीटों का क्या हाल होगा। हालांकि लैंसडाउन जो विधानसभा सीट है जहां से हरक सिंह रावत की जो बहू है उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और वहां भी बगावती सुर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसे हैं जिन पर बगावत हो सकती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी उन लिस्टों का, यानी कि उस लिस्ट को जारी नहीं किया, उन नामों को अभी सार्वजनिक नहीं किया जिनको वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2022 में भी कांग्रेस की जो फूट है, कांग्रेस में जो दो धड़े हैं वो आमने सामने ज़रूर नज़र आएंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।
अब देखना होगा कि क्या 2022 में यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस एकजुट हो पाती है या फिर कांग्रेस दो धड़ों में चुनाव लड़ाती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आगे भी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे।